सत्ता चलाती है उसी जंगल का रहने वाला खोखा डाकू डाकू मंगल सिंह जो बिजमा को देख लेता है और बिजमा की तरफ टूट पड़ता है, जो डाकू मंगल सिंह महाराज माधव का पुराना दुश्मन है, डाकू मंगल सिंह। जी महाराज, काफी दूर निकल आए, कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। महाराज कोई शिकार नजर नहीं आया, आगे बढ़कर देखते हैं महाराज। आइए देर मत कीजिए, आइए चलिए महाराज। ठीक है, चलता हूँ आगे, देखता हूँ। मैं भी शिकार खेलने के निकला हूँ, आगे कोई लड़की जा रही है, देखता हूँ आगे क्या करती है। जी महाराज, जंगल में आई बिकाए हो लकड़ी ले ले गुंजे। जी महाराज, तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ उस लड़की को हमारे पास बुला के ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ हो। साहब आप कौन हैं? तुम्हारा क्या नाम है और कहां जा रही हो? मैं क्या बताऊं, इस जंगल में रहती हूँ, लकड़ियां काट करके अपना पेट पालन जीवन, लेकिन तुम मेरे साथ चलो मेरी गुफा में, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। नहीं बाबूजी, हमें ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारा यही ही गुजारा है। नहीं, तुम नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। घने जंगल में क्या कर रहा है? मैं यहाँ डाका डालता हूँ और लूटता हूँ तुम्हारे जैसे इंसानों को। अच्छा, तो आज से तेरा ये डाका डालना और लूटना बंद हो जाएगा। चल आ जा, होशियार हो जा। चल होशियार हो जा। Thank you.
सहवाज, तुमने धोखे से मुझे कैद किया है। मैं मंगल सिंह हूँ। द्वारपाल अरे छोड़, तो दिखाता हो अभी कल। ले चल महाराज के सामने। चल लेके आपने आके हमारी इज्जत बचाई। देवी जी, ये तो हमारा फर्ज था। ये बताओ, इस जंगल में अकेली कैसे भटक रही हो? क्या बताओ, लकड़ियां काट करके बेच करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कहने का मतलब है तुम लकड़ियों का पेशा करती हो, उसी से अपना ये जीवन गुजारा करती हो। देवी जी, आपसे एक बात बताऊं, क्या मेरी बात मान जाएंगी? यदि लायक होगा तो मान जाऊंगी। आप कहना क्या चाहते हैं? देवी जी, हमारे महाराज इसी जंगल में हैं। हम और महाराज शिकार खेलने के लिए आए थे। महाराज ने आपको देखा, आपकी सुरीली आवाज सुनी और महाराज हमें आदेश दिए आपको बुलाने के लिए। क्या आप हमारे साथ चल सकती हैं? कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, केवल आपको महाराज देखना चाहते हैं बस। अगर ये बात है तो आप चलिए, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आओ आओ मेरे साथ। अरे गौना में आई लिपिकाई हो लकड़ी लैला गोइया, गौना में क्या बताऊं? खुश रहो मंत्रीवर, अकेले आ रहे हो? नहीं नहीं महाराज, तो आपका आदेश का पालन सर आंखों पर। महाराज मैं अकेला नहीं आया हूँ, तो साथ में उस सुंदरी को लाया हूँ। है कहाँ पर? अभी दिखाता हूँ। महाराज बोलो। सुंदरी तो ये है, लेकिन एक बात है महाराज। वो क्या बात है बोलो? जिस समय मैं इसके पास गया, डाकू मंगल सिंह मिला महाराज। क्या डाकू मंगल सिंह? जी महाराज। तो क्या कर रहा था जंगल में? महाराज इसी सुंदरी को छेड़ रहा था, अचानक मैं पहुंच गया महाराज और उसे कैद करके मैं लाया हूँ आपके सामने लाना चाहता हूँ महाराज। ठीक है, ले आओ हमारे पास ले आओ। जी महाराज। किस हाल में हो? ठीक है महाराज जी, तुम कैसे हो? हम भी ठीक है, तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार था तो हाथ छुड़वा दो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। दरबारी इसे राजमहल लेके चलो, अभी हम आ रहे हैं। महाराज देख लिया मंगल सिंह को ना? देख रहा हूँ। आपका बहुत पुराना दुश्मन है महाराज। पुराना दुश्मन है, इसे सारी दुश्मनी हम आज अदा कर लेंगे। बहुत अच्छा महाराज। अगर ही आगे बढ़ो। पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? महाराज। हाँ बोलो। मेरा नाम बिजमा है। बिजमा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो कैसी सेवा करूं साहजी आपकी, कैसी सेवा करूं? साहजी आपकी कोई
सेवा भागिन को बतलाइए राज दिल उल्फती अरे हुआ आज है सब बतलाइए हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं तो तुमसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता किसकी बेटी कहां घर है फरमाइए इतनी जिल्लत उठाती ओ क्यों दरबदर राज दिल दर हकीकत बया के राजन आप जानना चाहते हैं बोलो अरे नहीं कोई इस जग में निर्भू हम शादी करना चाहता हूं हे भगवान लेकिन महाराज जी कहा मैं एक जंगल की लकड़हारी और आप राज दरबार के उत्तराधिकारी मानता हूं मैं आपसे ये शादी कैसे कर सकती हूं तो सुनो बिजवा जी तो जो बचन हार जाऊं का बिजवा सुनो जो बचन हार जाऊंगा सुनो सो निभाऊंगा इसमें कसर है नहीं बन के मेरी सुहागन चलो साथ में तुमको किसी बात का नहीं है फिक्र ओ वैसा हो सकता नहीं साहजी ऐसा हो सकता नहीं क्यों नहीं हो सकता रानी करेगी ना ऐसा सहन रात दिन की मुझे बन के ना गिनते से बस इसी बात से है मुझे रत्ना रानी क्या ही रात सुंदरी रत्ना रानी के रत्ना रानी क्या ही राज से सुंदरी मैंने ऐसा
अपना उठाया कदम। अरे चल के शादी करो राज दरबार में, चल के शादी करो राज दरबार में। तुमको किसी बात का नहीं है फिकर, चल के साथ लेकिन महाराज जी, लेकिन क्या बोलिए, मैं आपके साथ में शादी करने के तैयार हूँ, तो लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। बोलिए तीन शर्तें कौन कौन सी? पहली शर्त मेरी यह है कि जो मेरे कोख से संतान पैदा होगी, या लड़की या लड़का, मानता हूँ इस राज का उत्तराधिकारी होगा, यह हमें सभी काम रहा है। दूसरी शर्त बोलो। और दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी पटरानी बन के रहूंगी। करने का मतलब राज की पटरानी बन के रहोगी, यह भी मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त बोलो स्वामी जी। तीसरी शर्त है, जब वक्त आएगी ना तो मांग लोगी। वक्त आने पर मांग लोगी, हम उस वक्त का और तुम्हारी तीसरी वचन का इंतजार करेंगे। तो बिजुमा जी आइए, हम राज दरबार को चलते हैं। आइए आइए, अरे गौना में आई लिपिकाई हो लकड़ी लैला गोइया, गौना में आई हेलो हाँ साथियों, इधर महाराज माधव सिंह डाकू मंगल सिंह को जेल में कैद कर